हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आई होप के सब अच्छे ही होंगे। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि बहुत सारा मेरे पास ऐसा कमेंट आ रहा है कि सर, कलकत्ता में जॉब वैकेंसी वीडियो लेके आइए। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कलकत्ता में जॉब करना आप लोगों के लिए सही होगा या फिर बेंगलोर में जॉब करना आप लोगों के लिए सही होगा, किधर फैसिलिटी आप लोगों को अच्छा मिलेगा, हाँ, कलकत्ता में या फिर बेंगलोर में पेमेंट किधर अच्छा होगा, ये सब कुछ आप लोगों को मैं बताऊंगा। और जॉब करने के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए ये भी आप लोगों को बताऊंगा। सब कुछ आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताऊंगा, क्योंकि बहुत सारा आदमी के मन में ये कन्फ्यूजन है कि कलकत्ता में जॉब करना अच्छा होगा, उधर में क्या क्या फैसिलिटी है, ये सब कुछ आज मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, कलकत्ता में जॉब करने के लिए आप लोगों को कम से कम 10 पास होना पड़ेगा, और सिक्योरिटी गार्ड में या सुपरवाइजर में। लेकिन बेंगलोर में भी जॉब करने के लिए आप लोगों को 10 पास कम से कम होना पड़ेगा। और जॉइनिंग के लिए आप लोगों को सब कुछ डॉक्यूमेंट आप लोगों को लेके आना है, 10 पास सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बेंगलोर में भी यही सब कुछ लेके आना है। कलकत्ता में भी आप लोगों को जॉइनिंग के लिए जॉइनिंग फीस देना पड़ेगा ऑफिस में, बेंगलोर में भी आप लोगों को जॉइनिंग के लिए जॉइनिंग फीस देना पड़ेगा, लेकिन दोनों में सेम है, देखिए। और हाँ, बेंगलोर में जॉइनिंग फीस थोड़ा ज़्यादा होता है, क्योंकि पेमेंट भी ऐसे ही देता है, इसीलिए इधर में जॉइनिंग फीस थोड़ा ज़्यादा है होता है। लेकिन दोनों जगह में आप लोगों को जॉइनिंग फीस देना पड़ेगा, चाहे वो कलकत्ता हो या फिर बेंगलोर हो। और इधर में ड्यूटी भी आप लोगों का 8 घंटा और 12 घंटा दोनों ड्यूटी अवेलेबल है, दोनों ड्यूटी आप लोगों को मिल जाएगा। कलकत्ता में भी 8 घंटा 12 घंटा का ड्यूटी मिलेगा, बेंगलोर में भी आप लोगों को 8 घंटा या फिर 12 घंटा का ड्यूटी मिल जाएगा। और फैसिलिटी का बात करें तो फैसिलिटी कलकत्ता में आप लोगों को ओनली रूम देगा कंपनी से, हाँ, लेकिन हर एक कंपनी में नहीं देता, कहीं कहीं कंपनी में रूम देता है, लेकिन फूड फैसिलिटी खुद का है। हाँ, कलकत्ता में फूड फैसिलिटी नहीं देता है कंपनी से, वो खुद का है, लेकिन बेंगलोर में आप लोगों का ड्यूटी का टाइम में फूड फैसिलिटी आप लोगों को मिल जाएगा। हाँ, 8 घंटा ड्यूटी हो या फिर 12 घंटा ड्यूटी हो, आप लोगों को फूड फैसिलिटी मिल जाएगा और रूम खुद का है। और फैसिलिटी क्या है इसमें, PF, ESI दोनों जगह में आप लोगों को मिल जाएगा, लेकिन कलकत्ता में PF थोड़ा कम काटता है, लेकिन बेंगलोर में PF का पैसा थोड़ा ज़्यादा काटता है, जिसमें आप लोगों का ही फायदा है। हाँ, और सैलरी का बात करें तो इधर में सैलरी कितना मिलेगा, कलकत्ता में आप लोगों को 8 घंटा में पेमेंट मिलेगा कम से कम 9 से 10 हज़ार तक, और 12 घंटा में मिलेगा 12 से 14 हज़ार तक पेमेंट आप लोगों को मिल जाएगा, वो कलकत्ता में। और बेंगलोर में आप लोगों को पेमेंट के बात करूँ तो 8 घंटा में आप लोगों को 17 से 18 हज़ार तक मिल जाएगा, और 12 घंटा में 22 से 24 हज़ार 25 हज़ार तक आप लोगों को मिल जाएगा। तो आप लोगों को समझ में आ रहा है कितना फर्क हो रहा है पेमेंट में। तो इसीलिए बोल रहा हूँ, इनकेस बाहर रहना है, घर से बाहर काम करना है, तो बेंगलोर ही सही है मेरा हिसाब से, क्योंकि पेमेंट बेंगलोर में बहुत ज़्यादा देता है, इसीलिए मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ। तो दोस्तों, मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को सब कुछ बताया हूँ, फिर भी अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट कर सकते हैं, मैं ज़रूर रिप्लाई आप लोगों को दूंगा। लेकिन थोड़ा सोच समझ कर काम करिए, हाँ, जिधर अच्छा होगा उधर ही आप लोग काम करिए, हाँ। तो और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि नेक्स्ट कोई भी वीडियो अपलोड करने से आप लोग के पास नोटिफिकेशन चला जाएगा। तो सब अच्छे से रहिए, ओके, बाय।